अल्मोड़ा के आसपास अनेकों धर्मस्थल, अनेकों पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहां लोग आकर घूमना पसंद करते हैं। अगर आप अल्मोड़ा आए हैं या अल्मोड़ा में रहते हैं तो आप जानते होंगे अल्मोड़ा के पास एक मंदिर स्थित है जिसे शाही देवी, शीतला देवी या कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा से चलते हुए सबसे पहले हमें कोसी जाना होता है। कोसी जो कि रानीखेत रोड पर स्थित है, कोसी में जाकर खूंट धामस वाली रोड पर चलना होता है। खूंट धामस पंडित गोविंद वल्लभ जी का पैतृक आवास है। मैं इस वीडियो में आपको उनका पैतृक आवास और उनके सम्मान में बना हुआ एक छोटा सा संग्रहालय भी दिखाऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। तो साथियों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है अल्मोड़ा से पहुंचने के लिए शाही देवी मंदिर या शीतला देवी, कात्यायनी देवी कई नामों से जानी जाने वाला इस भव्य और सुंदर मंदिर की ओर। साथियों, हम खूंट धामस पहुंचे। खूंट धामस पहुंचने के बाद हम शीतला खेत पहुंचते हैं। शीतला खेत बेहद ही सुंदर एक पर्यटक स्थल है। यहां से हिमालय की एक बड़ी सुंदर रेंज दिखती है। आज हम फायर सीजन में यहां हैं जिस कारण यह रेंज, यह लंबी श्रृंखला हमें देखने में हम असमर्थ हैं। अगर आप यहां आना चाहें तो बरसात के बाद का मौसम यहां आने के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, या ठंड के मौसम में भी आप यहां आ सकते हैं जिस दौरान यहां से हिमालय पर्वत की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। तो साथियों, शीतला खेत से आगे पहुंचकर हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से पैदल मार्ग शुरू होता है। अब हम यहां से पैदल चलना शुरू करते हैं। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। नाक की सीध वाली बीच बीच में चढ़ाई आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आप साथ में खाने पीने की चीज़ें अवश्य रखें और अपने साथ वही चीज़ें लेकर चलें जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त हों। तो साथियों, हम यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हुए हम पहुंच जाते हैं शीतला देवी माता के मंदिर, जिसे शाही देवी भी कहा जाता है। यहां से आसपास का नज़ारा बेहद शांत, सुंदर और भव्य दिखता है। चारों तरफ की सुंदर घाटियां, आसपास पहाड़ी सभ्यता में बने हुए घर अभी भी यह इसी प्रकार बने हुए हैं जो कि मन को प्रसन्न करने वाले थे। इसके बाद हमने मंदिर दर्शन किए। मंदिर में भीड़ भाड़ कम होने के कारण आसानी से मंदिर दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में जब हमने यहाँ के पुरोहितों से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने हमें बताया यह मंदिर कत्यूरकालीन मंदिर है। मंदिर को देखने से कत्यूरी शैली का बना हुआ मंदिर तो नहीं प्रतीत होता, तथापि उन्होंने बताया कि यह बहुत प्राचीन बात है। समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होते रहता है। कत्यूरी राजवंशों द्वारा बनाया गया है मंदिर, और बाद में इसमें कुछ समय तक के लिए गोरखों ने भी जब अल्मोड़े में शासन किया तो इस मंदिर की व्यवस्था गोरखाकालीन राजाओं ने देखी, जिस दौरान वे अपने साथ गोस्वामी लोगों को अपने साथ लेकर आए और गोस्वामी लोगों को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में चंद राजाओं ने पाठक और जोशी लोगों को यह जिम्मेदारी दी और साथ साथ में गोस्वामी परिवार को अन्य काम संभालने का जिम्मा सौंपा। यहाँ के आसपास की जमीन और खेती, जंगल सब चंद राजाओं ने इन लोगों को दान स्वरूप भेंट की, ऐसा मुझे यहाँ ज्ञात हुआ। आसपास का इलाका बेहद शांत, सुरम्य और भव्य है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड भ्रमण पर अक्सर आया करते थे। वह कसार देवी, काकड़ी घाट और इस स्थान पर भी काफ़ी दिनों के लिए रहे। बताया जाता है कि इस स्थान पर जब वो आए थे इसके बाद उन्होंने यहाँ कुछ दिन तपस्या की, ध्यान किया, और इसी कारण यहाँ बंगाली पर्यटक अत्यधिक मात्रा में आता है। बंगाली पर्यटक यहाँ वर्ष में कई बार देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये सुंदर सा स्थान है। यहाँ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो मैं आपको शेयर करूँ,
अन्य मंदिरों में अगर आप जाते हैं तो शायद आपको रोड के बहुत पास होने के कारण मंदिर जाके दर्शन करके आप लौट आते हैं, लेकिन यह मंदिर एक आपको अलग ही रोमांच देता है कुछ आपको पैदल चलने पर, और वो भी घना जंगल, बहुत घना जंगल है, पैदल चलने का अपना अलग आनंद है। यहाँ पर आप परिवार के साथ आएँ, मित्रों के साथ आएँ और अपने सगे संबंधियों के साथ आएँ, वाकई यह स्थान आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, अगर आप अल्मोड़ा आते हैं या अल्मोड़ा में रहते हैं तो कभी भी आपको घूमने का मन करें तो मेरे ख्याल से आपकी पहली पसंद स्याही देवी शीतला देवी मंदिर होना चाहिए। यहाँ आकर आपका तन मन सात्विक हो जाता है और मन में एक अलग प्रकार की स्फूर्ति उत्पन्न होती है। स्याही देवी मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद हमने लौटने का निश्चय किया। साथियों, यह स्थान इतना सुंदर है, इतना मन को शांति देने वाला है, यहाँ से जाने का मन वाकई नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान यह है। यहाँ बहुत देर तक बैठना मन को शांति प्रदान करता है। नवरात्र के समय यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है जिसमें क्षेत्रीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद हमने वहाँ से निकलने का निर्णय किया और हम उतरती हुई इस पगडंडियों में सीधे और जल्द अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुके थे। साथियों, जब हम यहाँ से निकले, हमें विचार आया, हमारे मन में ध्यान आया कि इसी मार्ग में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का मूल निवास भी है। तो हमने विचार किया कि क्यों ना पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के घर, जो कि बहुत साल पहले कभी यहाँ रहा होगा, उसके दर्शन किए जाएं। जब हमने क्षेत्रीय लोगों से पूछा तो हमें पता चला खूंट नामक गांव में उनका घर अभी कुछ शेष है, जो हमने जाकर देखा। इसी के पास में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनने की तैयारी में है और जब हम इस और वर्तमान में जो संग्रहालय है वो बहुत छोटा है, संग्रहालय नहीं, इसको एक उनकी स्मृति भवन कह सकते हैं। पंडित पंत जी का जन्म इसी घर में 10 दिसंबर 1987 को हुआ था। पंडित पंत जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। उत्तर प्रदेश राज्य के वह प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री भी बने। तो हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी कि हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां आज से कई साल पूर्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का बचपन बीता होगा। साथियों, यह स्थान वाकई अपने आप में कोई तीर्थ समान लग रहा। इसके बाद हमने जाने का निश्चय किया। सूर्यास्त होने को था और हम धीरे धीरे कुछ मीठी यादों को लेकर अपने घर को निकल आए। साथियों, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के इस आवास के संबंध में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होगी। तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जब भी अल्मोड़ा आएँ तो यहाँ विजिट ज़रूर करें। मुझे लगता है अल्मोड़ा के आसपास जितने भी घूमने के स्थान हैं उनमें शायद सबसे बेहतरीन यह स्थान है। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और सुंदर स्थान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय उत्तराखंड।